हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वंस अगेन। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह, और आज हम बात करेंगे लाइव चार्ट्स की। जो मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स करवाए थे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट्स चार्ट पैरामीटर्स, तो मेरे पास कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट आई कि सर इन्हें लाइव शो कीजिए, मतलब यू वॉन्ट टू सी थिंग्स लाइव, राइट? तो उस बात को, आपकी उस रिक्वेस्ट को ऑनर करते हुए आज मैं वही तीनों जो स्ट्रैटेजीज थी स्विंग ट्रेडिंग की, जो मैंने आपको प्रीवियस दो वीडियोस में प्रोवाइड की थी, उनको मैं लाइव आपको शो करूंगा। सो इफ यू रियली वांट टू सी देम लाइव हाउ दे आर हैपनिंग, देन कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। फर्दर फर्दर अगेन वही रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग सबको बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि दे कैन हैव रियल नॉलेज इनटू द मार्केट एंड दे कैन मेक रियल मनी आउट ऑफ द मार्केट। यस, मेकिंग रियल मनी आउट ऑफ द मार्केट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी इजी, शुड आई रादर से नॉट इवन इम्पॉसिबल, इट्स वेरी इजी। The only thing that you need to follow is rules and discipline and consistency in volume and in your trades. So, bazaar aapse kuch khas nahi mangta. Wo kehta hai ki bas mujhe ek acche business ki tarah treat karo, jaise aap kisi aur business ko treat karte ho. Bazaar aapse bas yahi request karta hai aur kuch nahi. Aur agar aap ye cheez follow kar sakte hain, to bazaar mein aap har baar paisa kama sakte hain. Now, taking into consideration the situation, maine aapko teen phases karwaye the. For a swing trading, obviously there are few more, but उनकी बात हम कभी और करेंगे। पहला था कि अगर कैंडल नीचे जा रही है, राइट? एक कैंडल नीचे जा रही है और वो पुल बैक कर जाए, so something like that, it's a black candle or a red candle, और वो पुल बैक कर गई, so this is an opportunity to buy, right? This is an opportunity for you to buy with a target of high of this candle. तो आप यहाँ पर call buy कर सकते हैं। ये एक red candle है और इसका live example ये है। जैसे आप लोग बार बार लाइव एग्जाम्पल मानते हैं, सो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ कैंडल। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए इस कैंडल को ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात ओपनिंग एंड क्लोजिंग, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो कैंडल है, जब मैं वो रखता हूँ तो इस कैंडल का ओपन है 7827 और हाई भी है 7827, और इसका जो लो है दैट इज 7615। तो ये कैंडल निफ्टी में 15 मिनट्स में 200 पॉइंट का फॉल रखती है, विच इज वेरी ह्यूज। तो 200 पॉइंट का फॉल निफ्टी में 15 मिनट में खुलते ही आना कोई आसान चीज नहीं होती दोस्तों। तो ये खुलते ही बिल्कुल 200 पॉइंट बिक गई, 200 पॉइंट से ज्यादा ही बिक गई, बट अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट बिकी है। फिर इसने एक बहुत डिसेंट पुल बैक दिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 25-30% ऑफ द लो, जैसा कि ये विक आई। So here we have an opportunity to buy calls. तो यहाँ पर हम calls खरीदेंगे। This is a place where we would buy calls. यहाँ पर अब calls ज़्यादा महंगी नहीं मिलेंगी क्योंकि wicks पुटों की side है। तो आप calls buy करेंगे with a target of high of this candle. तो इसी candle ने मुझे मेरा target दे दिया। आप यहाँ पर अपना profit book करेंगे और सौदे से बाहर हट जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी जब ऑप्शन बाय करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ऑप्शंस बाय करके काम कर रहे हो। अब आपको ये चीज दिख रही है माय फ्रेंड्स कि ये और ऊपर गया, दैट इज गुड, गया, लेकिन नोबडी कैन टेल यू, नोबडी इज यू नो गॉड, तो नोबडी कैन टेल यू कि यहाँ से पलटेगा। हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड कैंडल्स, दिस इज इवनिंग स्टार फॉर्मेशन इन 15 मिनट्स एंड दिस सिग्निफाइज अ सेल। लेकिन आप ध्यान दीजिए इस इवनिंग स्टार के बनने पे ये रेड कैंडल बनती है। तो इस रेड कैंडल ने जहां क्लोजिंग दी है वहीं पे तो मैंने भी प्रीवियसली प्रॉफिट बुक किया था, और यहां पर मुझे कॉलो में विक्स मिलके प्रॉफिट बुक हुआ है, और यहां वो विक्स चली जाएगी। सो डोंट गेट ग्रीडी, प्लीज डोंट गेट ग्रीडी। आपका टारगेट ये था और आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको सिखाई थी, वेयर इन बाजार एक विग्रस मूव नीचे या ऊपर का लेता है और फिर उसी कैंडल में वो पुल बैक कर लेता है। तो इसी कैंडल में ये पुल बैक आया और ये रेड के डाउन ट्रेंड की तरफ से पुल बैक आया। सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स, इस बात को याद रखिए, दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स।
अब हम इसका एक रिवर्सल पोर्शन भी ढूंढेंगे, एक ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे जिसमें बाजार ने ऊपर मारा हो और पुल बैक किया हो. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अस टू रिसर्च. अब ये आपको सिर्फ सिंपल मॉनिटरिंग करनी है और जब भी मिलेगा सौदा अपने आप मिलेगा, आपको उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है. इसे भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा इस पैटर्न को. फर्स्ट आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैंडल. रेड कैंडल्स मुझे इसमें बहुत ज्यादा मिल रही है. जैसे ये वाली रेड कैंडल देखिए, ये पुल बैक आया, यहाँ पर ये फॉल आया, ये पुल बैक आया विच इज अप्रोक्सीमेटली 25-30% ऑफ द प्राइस. दिस इज द प्लेस टू बाय कॉल्स और ये मेरा टारगेट बुक हो गया और मैं एग्जिट कर गया. दैट्स इट. ध्यान से देखिए. नाउ लेट्स लुक एट दिस कैंडल. राइट, दिस इज अ बाय कैंडल बट आई वोंट सजेस्ट दिस ट्रेडिंग क्योंकि मैंने अभी आपको ये चीज सिखाई नहीं है. फर्स्ट आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर आई कैन सजेस्ट यू अ बाय कैंडल जिसमें आप पुटे खरीद पाओ. लेकिन मेरे को अभी तक वो जगह नहीं मिली है जहां मैं आपको पुटे सजेस्ट कर पाऊं खरीदने के लिए. कॉलों की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पुटों की अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी मुझे एक्सच नहीं दिखी है कि एक बहुत बड़ी कैंडल जो ऊपर गई हो और फिर उसने पुल बैक मारा हो. मतलब दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पुल बैक. अब हमें कॉले बाय की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है लेकिन पुट बाय की अभी तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी है. लेट्स बी ट्रू. ओके, this is not the place. ये अगेन कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी है जो थर्ड टाइप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी पुटो बाय की कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखा पाया हूँ. इन द बिगर कैंडल्स दैट इज सिंगल कैंडल पैटर्न्स जो डिफाइन करते हैं उसमें पुट बाय की अपॉर्चुनिटी अभी तक और है भी नहीं. अगर नहीं है तो वी कांट हेल्प इट. हम देखिए कितने पीछे तक चले गए हैं और हमें पुट. अब देखिए कई लोग मुझसे बोलते हैं सर व्हाट अबाउट दिस कैंडल, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि इसमें पुल बैक विग्रस नहीं है. अगर पुल बैक बहुत ज्यादा विग्रस होता तो मुझे यहाँ पुटों को बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती. लेकिन यहाँ पर अगर मुझे पुट बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है दोस्तों तो नहीं मिल रही है. एज सिंपल एज एनीथिंग. कहीं से कहीं तक कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको वो चीज मिलनी चाहिए सर मुझे तो वो दो. अगर बाजार में नहीं है वो अपॉर्चुनिटी तो उस अपॉर्चुनिटी पे सौदा मत मारिए. अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी रेगुलर कॉलों में मिल रही है, दैट इज कॉल बाय करके मिल रही है, तो मैं वो बाय करके कमा लूंगा. जरूरी नहीं है कि मुझे पुट बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे ज्यादातर कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. राइट, दैट इज द इक्वेशन दैट वी हैव. और मैं काफी पीछे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं 15 मिनट कैंडल में. अब यहाँ पर ये देखिए, ये सिचुएशन, राइट, ये वाली सिचुएशन थर्ड टाइप ऑफ सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों को करवाई थी. यहाँ पर मेरे पास पुटे बाय का अपॉर्चुनिटी है. कैसे? बाजार ने एक बहुत विग्रस अप ट्रेंड लिया. राइट, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल विग्रस अप ट्रेंड. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कैंडल विच आई हैव टॉट यू, ये फर्स्ट टाइप नहीं है. और फिर बाजार ने एक सेक्शन ले लिया जहां वो स्टेबलाइज हो गया. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स. और इसका एसएल भी बहुत छोटा है मेरे दोस्तों. क्लोजर अबव द हाई ऑफ द रेंज, दैट इज इसके ऊपर अगर कोई चीज क्लोज हो जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस काट के भाग जाएंगे. यानी पुट है आपने, मान लीजिए 100-150-200 रुपए की खरीदी और अगर इस पॉइंट से ऊपर का क्लोजर हो जाता है, यानी इस हाई के ऊपर का क्लोजर हो जाता है, आप अपना स्टॉप लॉस बुक कीजिए और एग्जिट कर जाइए. तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, व्हाट्स बैड इन दैट. और पूरा आपको टारगेट रिसीव हुआ है, दैट्स द वे. अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे. सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि द कैंडल साइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द मार्केट एग्जिबिट्स अ गुड डाउन ट्रेंड. सो द मार्केट इज एग्जिबिटिंग अ ग्रेट डाउन ट्रेंड और एन अप ट्रेंड, कैन बी एनीथिंग. राइट, सो द एक साथ आपको 3-4 रेड कैंडल्स मिली और फिर एक रेड कैंडल बन रही होती है लेकिन वो पुल बैक मार देती है और वो एक डोजी फॉर्मेशन ले लेती है या एक हैमर फॉर्मेशन ले लेती है, समथिंग लाइक दैट. सो 2-3 कैंडल्स रेड रेड बनी और फिर ये वाली कैंडल ऐसी बन गई, समथिंग लाइक दैट. और इसमें कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ऑब्वियसली यू वुड बाय कॉल्स हियर, यहाँ पर कॉल खरीदेंगे विद अ एसएल ऑफ द लो ऑफ दिस कैंडल. यानी ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे का क्लोजर हो गया तो एसएल काट देना, अदरवाइज खड़े रहो. और ये पूरा विग्रस ट्रेंड, ये जो पूरा ट्रेंड है ये पुल बैक हो जाएगा, पूरा ट्रेंड पुल बैक हो जाएगा. सेम वे इफ इट्स अ ग्रीन कैंडल, लेट सपोज अगर आप ग्रीन कैंडल की तरफ जाना चाहें तो ग्रीन कैंडल भी इसमें एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है.
इन द सेंस आपको दो तीन ग्रीन कैंडल्स मिल रही हैं बड़ी बड़ी, दैट्स गुड। और फिर एक कैंडल मिली जो समथिंग लाइक दिस है, विच इज अ पुल बैक, यानी प्राइजेस यहाँ तक गए थे लेकिन पुल बैक मार गए। तो यू वुड बाय पुट्स हियर विद अ टारगेट ऑफ लो, और बाजार यहीं से बह जाएगा और आपको ये पूरा टारगेट अचीव हो जाएगा। नाउ दीज सॉर्ट ऑफ ट्रेंड्स आर वेरी नाइसली अवेलेबल इन द मार्केट, और ये हम शायद देख भी पाए कहीं पर। जैसे आप ये वाली देखिए, रेड 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 रेड, और यहाँ पर ये पूरा पुल बैक है विद अ डोजी। यहाँ पर आप बाय करेंगे, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट टू बाय कॉल्स। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इन यू वुड बाय कॉल्स, यहाँ पर आप कॉल्स बाय करेंगे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स राइट ओवर हियर, राइट, यहाँ पर आप कॉल्स को बाय करेंगे और वहीं से ट्रेंड ने पूरा पुल बैक मार दिया। सो यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस सिचुएशन। अब इसे इस पोजीशन को कॉलो में भी ढूंढते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉल्स में भी मिल जाती है। सो वी हैव टू सी इफ दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल इन कॉल्स राइट ओवर हेयर। आप देख सकते हो दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल इन कॉल्स ऑल्सो। सो यहाँ देखिए ये ट्रेंड चला है, फिर ये एक कैंडल बन गई है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स, इधर आप पुट्स खरीदेंगे और पूरा ट्रेंड रिवर्सल ले गया। और इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दोज ऑल्सो। यहाँ देखिए अब यहाँ पर मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ बाय करना पड़ा इस लोकेशन पे, कांट हेल्प इट। अब यहाँ देखिए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ भी प्रेजेंट है, बहुत अच्छा फॉल आया, यहाँ मार्केट स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज होने का मतलब है आप यहाँ पर कॉल्स बाय करेंगे, और कॉल्स बाय करने पे इस कैंडल के लो के नीचे का क्लोजर इज योर स्टॉप लॉस। सो एवरीवेयर यू हैव अ स्टॉप लॉस, वहीं से ट्रेंड रिवर्स हो गया। नाउ दिस इज अ पोर्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। अब यहाँ देखिए यहाँ कॉल कॉल तड़ तड़ ऊपर, यहाँ पर ये मार्केट स्टेबलाइज हुआ, यू वुड बाय पुट्स हियर। सो दिस इज द पॉइंट टू बाय पुट्स, दिस इज द पॉइंट टू बाय पुट्स, यहाँ पर आप पुट खरीदेंगे और इसके ऊपर का क्लोजर इज योर स्टॉप लॉस, और बाजार ने आपको आपका टारगेट इमीडिएटली दे दिया। नाउ देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लुक आउट हियर, जस्ट हैव अ लुक हियर, यहाँ पर आप कॉल्स बाय करेंगे। यहाँ कॉल्स बहुत सस्ती मिलती हैं क्योंकि इस टाइम इसमें विक्स नहीं होती है, विक्स सारी पुटों की साइड होती है, हेंस यहाँ पर आप कॉल खरीदनी है, दिस इज द पॉइंट टू कॉल बाय कॉल्स, और ट्रेंड आपके फेवर में आ गया। सेम इज राइट ओवर हियर, आप देख सकते हैं ये पूरा टारगेट आपको अचीव हुआ है। तो आपको ये सौदे कॉल्स में भी मिलते हैं, मतलब कॉल बाय में भी मिलते हैं, पुट बाय में भी मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा उसमें ही मिले, आपको कॉल बाय पुट बाय हर जगह ये इक्वेशन मिल सकती है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, जहां पर भी मिले आई डोंट नो। यहाँ देखिए दिस इज द पॉइंट टू बाय कॉल्स। अब और कोई सिचुएशन देखते हैं, दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स, बाय कॉल्स। तो अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि जनरली बाजार विग्रस होता है। ओके वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स, आप देख सकते हो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स राइट ओवर हियर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजर बिलो अबव दिस, अगर इसके ऊपर का क्लोजर हो जाए तो एसएल काट देना, राइट। सो दिस इज नॉट द पॉइंट, आप यहाँ इसे कंसिडर नहीं कर सकते टू बाय पुट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ बाय पुट। मुझे कोई यहाँ पर विग्रस ट्रेंड नहीं मिला है, आई वॉन्ट विग्रस ट्रेंड इन ऑर्डर टू पुट अप विद दिस स्ट्रैटेजी, आई नीड विग्रस ट्रेंड्स, आई नीड विग्रस। यहाँ कोई सौदा नहीं है, यहाँ कोई सौदा नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई सौदा नहीं है। हाँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू कैन से दिस इज, अभी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, हालांकि इसके नीचे का क्लोजर वॉज अ सेल, वॉज अ बिग टाइम सेल, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स बट ऑब्वियसली एंड द मार्केट फ्लंक्ड आउट। तो आपको बाजार में सिचुएशंस पढ़नी आनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपको सौदा नहीं मिल रहा, मतलब विग्रस कैंडल्स जब तक, अब आप यहाँ देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सौदे में एसएल नहीं कटता, दैट्स बी ट्रू इन आवर सेल्स ऑल्सो। यहाँ पर आपने कॉले बाय की, बाजार स्टेबलाइज हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी कैंडल, यहाँ आपका कॉल का स्टॉप लॉस बुक हुआ। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार टारगेट्स ही मिलेंगे आपको, अगर आप 10 सौदे करते हो तो 10 में से 8 सौदे टारगेट के होंगे, लेकिन 2 सौदे स्टॉप लॉस के भी होंगे, लेट्स बी ट्रू इन दैट। और अगर मैं आपको हर चीज प्रॉफिट की दिखाता रहूंगा देन आई एम मैनिपुलेटिंग थिंग्स अराउंड, लेट मी बी ट्रू टू माय सेल्फ। देखिए दिस वाज द पॉइंट टू बाय कॉल्स राइट ओवर हियर फॉर टारगेट अचीव्ड, दिस वाज द पॉइंट टू बाय कॉल्स एंड टारगेट अचीव्ड। सो अगर दिस वाज द पॉइंट टू बाय कॉल्स एंड टारगेट अचीव, अगर आप हमें बाय पुट्स की, दिस वाज द पॉइंट टू बाय कॉल्स एंड टारगेट अचीव, what beautiful trade, this was the point to buy calls, target nahi aaya, stop loss bhi nahi aaya, lekin theek hai koi baat nahi। okay
टुडे टुडे इट वाज अ डे ऑफ स्टॉप लॉस, शुड आई रेडर से, यहाँ पर मैंने कॉले बाय की और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट गया, यहाँ कॉले बाय हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस लोकेशन पर, और मेरा स्टॉप लॉस बुक हो गया, हो गया, हो गया। तो अगर मैं 10 में से 8 ट्रेड्स प्रॉफिट के बना रहा हूँ और अगर मेरे 2 ट्रेड्स उसमें से लॉस के निकल जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉस बहुत छोटा होगा पहली बात, क्योंकि आपने ना विक्स पे की है, आप बाय स्ट्रैटेजी में हो, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसी स्ट्रैटेजीज में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, इट इज क्वाइट नेग्लिजिबल, राइट। अब आपको सौदा हर, अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस चीज को स्टॉक्स में ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए, ये निफ्टी में है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्सेस में वॉल्यूम बहुत रहती है, तो थिंग्स गेट इजियर फॉर अस। अभी आपको सिर्फ देखनी है ये चीजें, मतलब आपको सिंपली आपको यूं ही मिल जाएंगी जहां पर भी मिलनी है, मतलब कोई ज्यादा विग्रस मूव्स नहीं आएंगे। जैसे ये वाला था, दिस वाज द इक्वेशन टू बाय कॉल्स, यहाँ राइट, दिस वाज द इक्वेशन टू बाय कॉल्स, तो आपको अपने आप सौदे मिलेंगे। अगर नहीं है सौदे तो नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी भी सौदे से कि वो मिलना ही मिलना है सर, मिलना ही मिलना है क्या सर, नहीं, कोई जबरदस्ती, दिस वाज द पोजीशन टू बाय कॉल्स, राइट। यहाँ पर कोई सौदा नहीं है मेरे पास, कोई विग्रस मूव नहीं है मेरे पास, कोई सौदा नहीं है, दिस वाज द पॉइंट टू बाय कॉल्स, बट ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स, मैं पुटो की भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता हूँ, दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स, लुक, एक बहुत विग्रस मूव, एक पुल बैक, सो फाइनली वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो यू पुट्स, नाउ लुक हाउ ह्यूज दिस कैंडल इज, आप इस बात को गौर कीजिए, एंड देयर वाज अ पुल बैक, अ वेरी डिसेंट पुल बैक, और फिर देखिए क्या होता है। अब अगर यहाँ किसी ने पुट बाय की है और वो यहाँ इसका प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो थिंक वो कितने विक्स में बाय कर रहा है, कितने विक्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब हर बार टारगेट मिले जरूरी नहीं है, यहाँ आपने कॉले बाय की, बट ऑब्वियसली यहाँ तक आप ठीक थे, यहाँ तक, यहाँ आके आपका स्टॉप लॉस कट गया, कट गया कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक विग्रस मूव आया, यहाँ कॉले फिर से बाय होंगी, टारगेट आ गया, प्रॉपर टारगेट आया है, दो सौदे बने हैं आज, एक स्टॉप लॉस का, एक टारगेट का, लेकिन टारगेट वुड बी ह्यूज एंड स्टॉप लॉस वुड बी वेरी स्मॉल, इस बात को इसमें समझिए। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द इक्वेशन कि हम किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को समझेंगे ही नहीं कि हम किस चीज, दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये सौदे रेगुलर आते हैं मेरे दोस्तों, रेगुलर आते हैं, और ये बहुत प्रॉफिटेबल भी होते हैं, क्योंकि आप समझिए, आप कॉल या पुट बाय कर रहे हैं, एस और कॉलर पुट जहां बाय कर रहे हैं वहां विक्स भी नहीं है, वहां विक्स भी नहीं है, यानी विक्स आपके फेवर में है ऑन द रिवर्स साइड, सो आप प्रोडक्ट चीप बाय कर रहे हैं, और जब उसे सेल कर रहे हैं तो पूरी विक्स में कर रहे हैं, अपने बेनिफिट में कर रहे हैं। तो दिस इज द वे यू गेट बाय स्ट्रैटेजीज इनटू द मार्केट, ये रियल बाय स्ट्रैटेजीज है इनटू द मार्केट, सिंपल, छोटी छोटी कॉले पुटे खरीदी जाएंगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगी, बहुत अच्छा, एंड यू हैव अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, इसमें जनरली स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, जैसे लाइक दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स, राइट, यहाँ पुट खरीदेंगे, कितना अच्छा ट्रेंड था और पुल बैक हो गया, यहाँ पर पुट खरीदिए, टारगेट आ गया, स्टॉप लॉस इज क्लोजर अबव दिस, देखिए टारगेट हमेशा डिफाइंड है, स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है, क्लोजर अबव दिस। अब आप कहेंगे कि सर आप स्टॉप लॉस में क्यों क्लोजर ले रहे हो और टारगेट में क्यों सिर्फ टच ले रहे हो, यू मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस थिंग, द रीजन वेरी सिंपल, कई बार वो टच होके वापस ट्रेंड ले लेता है, तो क्लोजर को, क्योंकि मैं बाय स्ट्रेटजी में हूँ तो मेरा लॉस लिमिटेड है, हेंस मैं इसे होल्ड करने का रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पता ही है कि वैसे भी लॉस लिमिटेड है, हेंस मैं इसे होल्ड करने का रिस्क ले सकता हूँ टुवर्ड्स द लॉस साइड, बट अगेन क्लोजर अबव दिस इज योर स्टॉप लॉस, तो उधर कोई जोक नहीं है, यू हैव अ डिफाइंड स्टॉप लॉस द सेम वे, लेकिन टारगेट के वक्त मुझे डर है कि भाई ये पुल बैक ना कर जाए, हेंस मैं टारगेट टाइमली बुक करके निकल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो खड़ा भी रह गया इस जगह, मतलब यहाँ आ गया और वो खड़ा भी हो गया यहाँ, तो भी मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, पुल बैक की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और मैं लूज कर जाऊंगा, दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स, आप देख सकते हो पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी, अब आप कह सकते हो कि सर प्राइजेस इसके ऊपर गए, बट क्या क्लोजिंग हुई उसके ऊपर, नहीं नहीं हुई ना क्लोजिंग, अगर आपने यहाँ पर भी कॉल पुट बाय की होती तो यहाँ तक गया है, मान लिया क्लोजिंग हो जाती इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर तो मैं एसएल काट देता, नहीं हुई, ट्रेंड पूरा आ गया, मुझे पूरे पैसे मिले, लेट्स बी ट्रू इन आवर सेल्स, एक दूसरे से झूठ बोल के कभी भी कोई फायदा नहीं होगा माय फ्रेंड्स, लेट्स बी ट्रू इन दैट,
ट्रेड जहां बनेगा वहीं पर ट्रेड है, अगर ट्रेड नहीं है दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय कॉल्स, आप देख सकते हो। तो आपको इसमें रेगुलरली कॉल बाय और पुट बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो बड़े छोटे समय के लिए होती है, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, दैट्स इट, और आप उसी के बीच में सौदा काट के बाहर हट जाते हो। दैट्स द वे द मार्केट रियली ट्रेड्स, दैट्स द वे मार्केट रियली ट्रेड्स। मैंने प्रीवियस जो दो मेरे वीडियोस थे स्विंग ट्रेडिंग में, उसमें ये तीनों स्ट्रैटेजी समझाई हैं कि ये ढूंढनी कैसे हैं और कौन सी ये स्ट्रैटेजीज हैं, डिटेल में समझाई हैं। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो शायद जो मैंने अभी डिस्कशन किया आपको समझ में ना आए, तो उन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर मैं आपको जो रिकॉर्डिंग वीडियो चल रहा है ऊपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उन पे क्लिक करके उन वीडियोस पे जा सकते हो, उन वीडियोस को आप देखिए। दैट्स द रियल फॉर्म ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इसे कई लोग प्राइस एक्शन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज दे कंसीडर इट टू बी अ प्राइस एक्शन थ्योरी, दैट्स फेयर एनफ। तो आप प्राइस एक्शन थ्योरी बोल लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ मैंने बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस कटा इस जगह, लेकिन यहाँ फिर से मेरे पास बाय की अपॉर्चुनिटी है, फिर से खरीदा, टारगेट आ गई। यू कंसिस्टेंटली गेट टारगेट्स इन दिस सिचुएशन। हाँ, मॉनिटरिंग थोड़ी ज्यादा है, यू कैन से सो, बट ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो आई डोंट माइंड। यहाँ पर कॉल बाय हुई, पूरा टारगेट मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? I don't think so. There should be any problem if you are making money out of there. And अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत time भी devote करना पड़ रहा है, तो I don't think so. There is any problems in that. और SL बहुत छोटा है, और buy करके आप इस काम को कर रहे हो, तो even more profitable. तो इस तरीके से ये candles देखी जाती हैं, right? हमेशा. अब मैं छुपा के दिखाता हूँ. This was the buy. And closure below the low of this candle is your stop loss. SL कट गया. राइट, फिर से ये वाला बाय आया, बाय कीजिए, टारगेट आ गया, राइट? तो आपको इस तरीके से देखना है कि जैसे आपको फ्यूचर पता ही नहीं है। सो ये था यहाँ पर, दिस वाज अ बाय, क्लोजर बिलो दिस इज योर स्टॉप लॉस, 34,800 के नीचे टारगेट, आप देख सकते हैं। सो दैट्स द वे यू लुक एट द मार्केट। मतलब अगर आपके सामने चार्ट खुला हुआ है और आप उसे देख रख के फिर अपने डिसीजंस ले रहे हो, तो वो डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली स्वेड हो रहे हैं, अरे देख टारगेट आ गया। वी डोंट हैव टू डू दैट। आपको इस तरह से रिसर्च करनी है, जैसे एक एक कैंडल बढ़ाकर, यहाँ मैंने बाय किया, टारगेट बुक्ड आउट, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका टारगेट आ चुका है, आप निकल चुके हैं, उसके बाद क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं सौदे से बाहर हूँ, मैं क्लोजर का आपका वेट नहीं करता फॉर द टारगेट। अब जैसे ये है, ठीक है, ये वाली जो सिचुएशन है, यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट्स। यहाँ पर आप पुट खरीदेंगे विद एसएल ऑफ क्लोजर अबव दिस, क्लोजर अबव 35,855 इज योर स्टॉप लॉस। एसएल कट गया, एसएल बुक्ड, वी आर आउट। नाउ दिस इज द प्लेस टू बाय पुट्स, यहाँ पर मैं पुट्स खरीदूंगा, फिर से एसएल कट गया, कोई बात नहीं, टारगेट्स आ गए, यहाँ पर कोई मेरे पास सौदा नहीं है, ओके, दिस इज द प्लेस टू बाय कॉल्स, बट ऑब्वियसली एसएल बुक हो गया, ओके, ये मैंने सौदा मिस कर दिया, दिस वाज द प्लेस टू बाय पुट्स, टारगेट बुक्ड, आप देख सकते हो, और बहुत अच्छा टारगेट आता है, बहुत अच्छा टारगेट आता है इसमें माय फ्रेंड्स। सो यू गेट कंसिस्टेंट मनी इन दिस स्ट्रैटेजी ऑन रेगुलर basis, you regularly make money in this strategy, that's the beautiful part of it. और आपका एक defined stop loss है और एक defined target भी है, और target बहुत मोटे होते हैं इसमें, क्योंकि target जब आप करते हो ना, this is the place to buy puts, let's be true. Oh wow, what a beauty. So you just have to follow the candles. This is the place to buy calls. टारगेट बुक्ड, ब्यूटिफुल टारगेट बुक्ड, दिस इज, अब यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ना मुझे अप ट्रेंड पता लग रहा है, ना डाउन ट्रेंड, कहाँ का पुल बैक है कुछ नहीं पता लग रहा, तो आई कैन नॉट ट्रेड दिस सिचुएशन। नाउ दिस इज द सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर अब मुझे वेट करना है एक ऐसे पॉइंट का जहाँ पर मुझे कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं कॉल बाय कर सकता हूँ with a closure below this point as your stop loss.
कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, मैं खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, अभी भी क्लोजर नहीं हुआ, अभी भी क्लोजर नहीं हुआ। अब क्या इसके नीचे का क्लोजर हो गया? अभी भी बचा हुआ है, बचा हुआ है। अब क्या इसके नीचे का क्लोजर हो गया? हाँ, नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया। सो दिस इज द पॉइंट टू कट योर स्टॉप लॉसेस। तो यू गेट ब्यूटिफुल ट्रेड्स। नाउ दिस इज द प्लेस टू बाय कॉल्स, बट ऑब्वियसली एसएल बुक हो गया। दिस इज अगेन अ प्लेस टू बाय कॉल्स। ओ ब्यूटिफुल टारगेट, वेरी ब्यूटिफुल टारगेट। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारी तरीके से टारगेट आते हैं और कितने छोटे स्टॉप लॉसेस आते हैं। दैट्स द वे यू लुक एट द मार्केट, दैट्स द वे यू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट, दैट इज ऑलवेज द वे यू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट, दैट्स रियली द वे। अब दिस इज द फाइनेस्ट वे ऑफ डूइंग स्विंग ट्रेडिंग इन द मार्केट, दिस इज स्विंग। अगर आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा डीप समझेंगे, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। दैट्स द पावर ऑफ कैंडलस्टिक्स इन दिस स्ट्रेटजी, एंड दिस इज ऑन प्योर कैंडल्स, हेंस इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंडिकेटर, एनी टाइम जोन्स और एनीथिंग, इट जस्ट गिव्स यू मनी। सो आई होप जो आपकी एक रिक्वेस्ट थी दैट यू वांटेड टू अंडरस्टैंड दीज कैंडल्स इन लाइव मार्केट, वो मैंने फुलफिल की हो। अगर इस वीडियो से लेकर अगेन आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, और कोई रिव्यू है, कोई कमेंट है, तो दे आर एज यूजुअल ऑलवेज इनवाइटेड, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। Again, please channel ko like kijiye, subscribe kijiye. With this request, signing off for today, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.